हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी का 4 मार्च का जो इंग्लिश का पेपर था समाप्त हो चुका है। यहाँ पे इसका आप सभी को हल बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपके ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हल कराएंगे और साथ में बताएंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपके पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोले थे कि आप पढ़ के जाइएगा, आप देख ली। जितने भी छात्र पढ़ रहे थे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा था, वो छात्र आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में फंसा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप सभी, यहाँ पे ये अंग्रेजी का पेपर है और सेट जो है आपका HN है, ठीक है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन बताएंगे और साथ में आप सभी को ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए पार्ट ए, आपको ये क्वेश्चन आपको सिंपल तरीका से हल करने का तरीका आपको बताए थे कि आप कैसे इसको हल कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द गंगा इज़ ए सिंबल ऑफ, तो इसका आंसर कैसे निकालना था आप सभी को। तो देखिए सिंबल ऑफ के बाद जो आपका एस कल्चर एंड सिविलाइजेशन था, यही आपका आंसर था। यानी इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन सही था। अगला देखिए दूसरा नंबर का, कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिविंग पैसेज, तो इसका सही आंसर क्या था आपका, डी वाला ऑप्शन सही था। आप इसमें देख लीजिएगा हिमालयाज, इस तरह शब्द मिल जाएंगे आप इन सबको, ये शब्द आपको इसमें मिलेंगे, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का, कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का अपोजिट क्या होता है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही था आपका, डिफीट। चलिए देखिए आपके सामने अगला है, कि द बेल बिफोर द दे रिच्ड, देखिए यहाँ पे बिफोर लिखा है ना, इसके पहले आप सभी को बताए थे कि आपको क्या लगता है, हेड लगता है, तो इसमें देखिए आपके एक ही जगह हेड दिया है, तो ये वाला सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा नंबर का, ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री, यहाँ पे आप सभी को ये क्वेश्चन करा के भेजे थे कि ग्रीन ट्री जो है उसके नीचे यदि कोई सोता है तो वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, अंडर लगेगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ही स्लेप्ट अंडर ए ग्रीन ट्री। अब देखिए आपके सामने छठा नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको कई बार करा के भेजे थे, ठीक है। जितने भी छात्र देखे होंगे वो छात्र कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको कराया गया था कि नहीं कराया गया था। देखिए क्वेश्चन, लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हीज, आपको बार बार बताया था कि माई ब्रदर साथ में रहेगा, देखिए एक ही जगह ऑप्शन मिलेगा माई ब्रदर, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका सही था। देखिए यहाँ पे आपका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यहाँ से यानी कि यहाँ से मिस स्पेल्ड आपको बताना था। देखिए एक्सेप्ट ये करेक्ट है, एक्सेप्ट भी करेक्ट है, एक्सपेक्ट नहीं होता है, एस्पेक्ट ये सही है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आठवां नंबर का, फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है, तो आपको बार बार बता रहे थे कि जब भी प्राउड नजर आएगा तो उसके आगे आप भर दीजिएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या था, सही था, ठीक है। अब देखिए पैसे से संबंधित जो क्वेश्चन थे आप सभी को इसका आंसर निकालना बहुत सिंपल तरीका से सिखाए थे, तो ये पैसे था, इससे संबंधित ये आपके क्वेश्चन थे। द टाउन वाज फ्रॉम वैलीस विलेज, तो देखिए कितने मील पे थी, तो यहाँ पे जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 मील मिलेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका क्या था, सही था। 10 नंबर का देखिए, द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, तो आपका कितना वहाँ पे 30 पैसा ना, देखिए यहाँ पे आपको 30 पैसा नज़र आ जाएगा, देखिए 30 पैसा है और यही क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। देखिए आपके सामने अगला नंबर का क्वेश्चन है 11 नंबर का, कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, तो कब बने थे, तो 1994, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका सही था। 12 नंबर देखिए, कि लेंचू रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पेसेस, यानी कैसा कितना पैसा के लिए लेंचू ने ईश्वर को पत्र लिखा था, तो 100 पैसेज के लिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका सही था। 13 नंबर देखिए, कि वैली वाज ईयर ओल्ड गर्ल थी, कितने ईयर वर्स, तो 8 ईयर, इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका सही था। अगला देखिए, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना था, इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर देना था। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस के पोएट कौन है, इसके
रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या था, सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप मिला लीजिए 15 नंबर का, कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर, फायर का कंपेयर किससे किया गया है, तो डिजायर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसको ऑप्शन से कैसे निकालना था, तो ऑप्शन देखिए आप, ये आपके सामने जो एक्सट्रैक्ट था यहाँ पे जब आप पढ़ते थे यहाँ पे डिजायर शब्द मिलता ना, तो इससे आप आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने आपके बुक के क्वेश्चन थे जो आपको कई बार कराए थे। मिसेज पम्फ्री वाज ए, तो क्या था ये, एक रिच लेडी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट था आपका 17 नंबर। व्हाट डिड हरी सिंह वान फ्रॉम अनिल, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करा के भेजे थे, तो यहाँ पे इसका सही जवाब वर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का देखिए, कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका सही था 19 नंबर। व्हाट डिड इब्राइट स्टार कलेक्शन इन चाइल्डहुड, यानी बचपना में वो क्या कलेक्ट करते थे, रॉक्स बटरफ्लाइज और क्वाइंस। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका सही था। 20 नंबर देखिए, कि व्हाट वाज भोली रियल नेम, भोली का रियल नाम क्या था, तो भोली का जो रियल नाम था सुलेखा था। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही था। देखिए पार्ट बी के आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए, आप सभी को ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, ये आपको तो हल करने का तरीका आप सभी को भेजे थे, बताए भी थे। राइटिंग से संबंधित जो क्वेश्चन था आपको, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला कराए थे और कहे थे कि इसको पढ़ के आप जाइएगा जरूर। 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, ये क्वेश्चन आपको करा के भेजे थे। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर ग्रामर वाला आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन था इंडिपेंडेंस डे, आपको सुबह में ही बोले थे कि इसको पढ़ के जाइएगा, आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस पर रिपोर्ट लिखना था, इसके साथ में आपको आर्टिकल एक लिखना था टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज पे। इसके अलावा देखिए आपका ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कराते हैं, और अपना मिला लीजिए कि आप ग्रामर में जो करके आए हैं कितना सही करके आए हैं। माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये बताइए कि आपको बताइए कि ऐसा क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था, तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले भी थे और कराए भी थे। यहाँ पे देखिए इसको इनडायरेक्ट में बदलना था, तो कैसे बदलना था, माई ब्रदर। जब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द रहता है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलना रहता है, आपको बार बार बताए थे, और मी है तो मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू लगेगा, यू को हमेशा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो मी के हिसाब से यू बदलेगा तो किस में हो जाएगा, आई में, और आर किस में बदलेगा, वाज में, आई के साथ वाज लगता है तो वाज हो जाएगा, यहाँ पे गोइंग हो जाएगा। ठीक है, ये अपना मिला लीजिए, इस पे 2 नंबर आपका था, ये क्वेश्चन कई बार कराए थे। ये भी बताइए कि आपको ये क्वेश्चन करा के भेजे थे कि नहीं भेजे थे, कमेंट में जरूर लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपको करा के भेजे थे। तो देखिए इसका आपको बनाना था इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पहले इसको क्या करेंगे, जो द पुअर है इसको पहले लिखेंगे, यानी कि देखिए कैपिटल में लिखेंगे द पुअर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या लगाना था इसके साथ में, आर के बाद आप ऑलवेज लगाते हैं, ऑलवेज, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आपका लगेगा तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड, और बाई लगेगा, और ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना था। अब देखिए पंक्चुएशन से संबंधित जो प्रश्न था 2 नंबर का, वो भी आप मिला लीजिए। हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क द हाउ द बॉय, ये भी क्वेश्चन कराया था। देखिए हाउ का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, डस, ये एकदम क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन करा के भेजे थे आप सभी को। ठीक है, दिस मशीन, ठीक है, वर्क है तो वर्क लगा दीजिए, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आपको लगाना था। फिर इसके बाद इसको इसी तरह लिखना था आस्क्ड द बॉय, और यहाँ पे लगाना था फुल स्टॉप। तो ये आपको बस इतना लिखना था, इस पे 2 नंबर आपका देखिए प्रश्न था, आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो दिया है पेपर में यही सब करा के भेजे थे आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट टू इंग्लिश में करना था, तो आपको कई क्वेश्चन कराए थे कैसे आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी को इंग्लिश में, तो आप सभी करना जानते हैं। ठीक है, इससे फिर लिटरेसी से संबंधित जो क्वेश्चन था आप सभी को बार बार जो प्रश्न करा रहे थे उसमें बोल रहे थे कि इस प्रश्न को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। वाई वाज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोले थे कि इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग। इसके अलावा देखिए आपका था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ये जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को कई बार बोले थे कि इन क्वेश्चनों को आप एक बार बुक में देख के जरूर जाइएगा।
ठीक है, डिजायर अननेस फीलिंग अबाउट हैविंग ए डेयरी। ओ आर में दिया है कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में देना था। ब्रिंग आउट लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड। देखिए सभी क्वेश्चन आपको करा के भेजे थे और बोले भी थे कि इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, जितने भी छात्र देख के गए होंगे सभी आंसर करेक्ट लिख के आए होंगे। आपको यहाँ पे बार बार बोल रहे थे कि फोर लाइंस का आप पोयम याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। आपको बार बार जब भी पेपर करा रहे थे तो ये क्वेश्चन आपको बता रहे थे। अब देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये फायर एंड आइस वाला जो था आपको कराए थे कि नहीं कराए थे। आपको बोल रहे थे कि ये सेंट्रल आइडिया जो लिखना रहेगा फायर एंड आइस जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखिए आपका फायर एंड आइस आ गया है पेपर में और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया है। अगला देखिए क्वेश्चन था हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ ए डॉग नेम्ड ट्रिकी। ठीक है, ये क्वेश्चन था वाई इट वाज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीफ लाइक हरी सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कराए थे जब पूरा डिटेल में क्वेश्चन कराया गया था तो वो सभी क्वेश्चन आपको करा के भेजे थे। दसवां के आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में कि राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह और डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर 8 ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल। इसके बारे में आपको क्या करना था, कैरेक्टर लिखना था। देखिए जितने भी आपको बताएं सभी क्वेश्चन आपको कई बार करा के भेजे थे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।